Hello everyone, welcome to this new lecture. So as you can see from the slide, our today's topic of discussion is the previous paper of RPSC. Okay, so RPSC's paper was conducted in 2016. तो उसका जो previous paper है तो दो parts में हुआ था, paper 1 and paper 2. तो paper 1 हम last lecture में discuss कर चुके हैं. Now we'll begin with paper 2. Okay. All right, so we will be starting with our question number 1, and as you all know that in the last lecture that we uploaded, we have had a brief discussion about paper 1. So paper 1 mein jitne bhi questions aaye the, as you can see, to usse pehle syllabus analysis ki video upload ho chuki hai, now paper 1 and now it's paper 2. So all those who have not visited for syllabus discussion, pehle aap syllabus analysis ki video please dekho, uske baad you know previous paper analysis aapko better tarike se samajh aayega. Now the reason why we you know focus so much on previous paper analysis is kyunki dekho syllabus jab hum discuss kiya tha usme bhi I tried to explain this thing ki jab syllabus hum discuss karte hain uske बाद किस टॉपिक में से किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे और क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए प्रिपरेशन की, ये डिपेंड करता है प्रीवियस पेपर्स पे. क्योंकि प्रीवियस पेपर में जिस तरह के क्वेश्चंस का पैटर्न रहा है वो बहुत इफेक्ट करता है इस चीज़ को कि आगे हमारे जो एग्ज़ाम है उसमें, मतलब ठीक है कभी भी पैटर्न चेंज हो सकता है नो डाउट, बट एक काइंड ऑफ हमें आइडिया हो जाता है कि ठीक है ऐसे यू नो क्वेश्चंस आ सकते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन अबाउट पेपर 2. तो पेपर 2 भी 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट जो यूनिट है वो है ब्रिटिश लिटरेचर के बारे में, तो सारी एजेस जो हैं ब्रिटिश लिटरेचर की उसके अंदर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो आपको कवर करने हैं. सेकेंड लिटरेचर में आपको अमेरिकन लिटरेचर, एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर और जो न्यू लिटरेचर हैं जैसे ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, ये सब जो है बेसिक इसका ये कवर करना है. और थर्ड यूनिट जो है वो हमारी इंडियन लिटरेचर से रिलेटेड है. तो आप देखोगे कि काइंड ऑफ इक्वल डिवीजन दिखेगा आपको क्वेश्चन का हर यूनिट में से, अप्रॉक्सीमेटली, मतलब बिल्कुल इक्वल तो नहीं है, तो तीनों यूनिट्स का इक्वल वेटेज रहेगा. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1. तो ये 2016 का पेपर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड वाज द लेजेंड ऑफ किंग आर्थर एंड नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल इज सेलिब्रेटेड इन मोटे डी आर्थर बाय. तो ये वर्क था मोटे डी आर्थर. अब क्वेश्चन पूछा गया कि ये वर्क किसने लिखा है. अब इन्होंने इसी क्वेश्चन में हमें ये भी बता दिया कि वर्क किसके बारे में है. ये वर्क है किंग आर्थर और नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल के बारे में. आपको आंसर करना है कि इस वर्क का राइटर कौन है. ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन का एक बार पैटर्न देखते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आया है और कैसे हम इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं. देखो, क्वेश्चन आया है ब्रिटिश लिटरेरी हिस्ट्री से. ठीक है, क्योंकि जो इसका सर मोटे डी आर्थर जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिकल या मिडाइवल वर्क माना जाता है ब्रिटिश लिटरेचर का. ठीक है, नंबर 2 इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि राइटर कौन है. तो आपको राइटर्स पे और राइटर्स के वर्क्स पे स्पेशल फोकस करना है. पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते हैं कि आपको राइटर्स की लिस्ट दे दी, उनके वर्क्स की लिस्ट दे दी, आपको मैच करना है. ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सी. ओके, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, सर थॉमस मैलरी. तो ये इस राइटर मोटे डी आर्थर, ये फ्रेंच नेम है, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है डेथ ऑफ आर्थर. ठीक है, मोटे डी आर्थर मतलब डेथ ऑफ आर्थर, एंड दिस वाज रिटन बाय थॉमस मैलोरी इन 1485. ठीक है, दिस इज़ आई एम जस्ट टेलिंग यू, तो आपको ताकि याद हो जाए साथ के साथ. ठीक है, सो दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम ब्रिटिश हिस्ट्री. ठीक है, तो अब हम ये भी देखते रहेंगे कि कौन से यूनिट से क्वेश्चन है, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे, तो ताकि हमें ये पता लगे कि जब हमारी प्रिपरेशन हम स्टार्ट करेंगे तो हमें किस यू नो तरीके से, किस अप्रोच के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है. एज़ यू विल सी कि जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं विच वी अपलोडेड ऑन आर ऐप, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द प्ले स्टोर, उसमें भी स्पेसिफिकली आपको दिखेगा कि इसी पैटर्न पे, जो पैटर्न मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ आपसे, जो पैटर्न मैंने, जो स्ट्रैटेजी मैंने सिलेबस एनालिसिस की वीडियोज़ में भी डिस्कस किए, उसी पैटर्न पे बेस्ड हमने पूरे लेक्चर सीरीज को अपने डिवाइड किया है. और क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रैटेजिक और ऑर्गेनाइज होनी चाहिए. ठीक है, कोर्स बहुत ज़्यादा है और टाइम इतना होता नहीं है. ठीक है, तो कोर्स में से सब चीज़ें आपकी कवर हों, इक्वल तरीके से आप सब चीज़ों को फोकस दे पाओ, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्लान्ड ना प्रिपरेशन हो. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. सो द बुक यूफियस इज जनरली कॉल्ड द प्रीकर्सर ऑफ द इंग्लिश नॉवल, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक. तो अब इन्होंने किसके बारे में पूछा है, एक वर्क के बारे में पूछा है जिसका नाम है यूफियस. ठीक है, ये एक वर्क है जिसको ऐसा माना जाता है कि वन ऑफ द वेरी अर्लीस्ट नॉवल. अब ये एग्जैक्टली नॉवल नहीं कह सकते हम उसको, क्योंकि जो जिस नॉवल की हम आज बात करते हैं ये उस पैटर्न में नहीं लिखी गई थी, लेकिन कह सकते हैं कि नॉवल की, कह सकते हैं ना, एक बर्थ काइंड ऑफ हो गई थी यहाँ पे, और धीरे धीरे वो इवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और वो जाके वैसी नॉवल बनी जैसी हम आज जानते हैं. ठीक है, तो यूफियस जो है एज अ नॉवल
प्रीकर्सर ऑफ नॉवल, मतलब कि जर्मिनेशन पॉइंट जो होता है ना, जैसे मैंने हम बताया कि लिटरेचर में हमेशा ऐसे ट्रेंड्स चलते हैं, जर्मिनेशन होता है धीरे धीरे, फिर वो पीक पे पहुंचता है, फिर डिग्रेडेशन हो जाता है. तो ये जर्मिनेशन वाले पार्ट में जो नॉवल का अगर हम स्ट्रैटेजी जो देखेंगे ट्रेंड कि नॉवल धीरे धीरे कैसे स्टार्ट हुई, तो जर्मिनेशन वाले पार्ट में बिल्कुल ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर लाई करता है ये वर्क यूफियस. इतना स्टार्टिंग सा वर्क था एक नॉवल्स का. तो उन्होंने पूछा है कि यूफियस एक प्रीकर्सर है, अब वो लिखा किसने? देखो अगेन वही पैटर्न है, आपको वर्क का नाम दे दिया, आपको राइटर बताना है, ठीक है. सो द आंसर आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शन, जॉर्ज गैस्कॉइन, जॉन लाइलाई, थॉमस नैश, थॉमस डिलानी, आंसर इज जॉन लाइलाई ने. ओके, थर्ड इज थॉमस मोर्स यूटोपिया इज सेट इन. अब थॉमस मोर का जो ये यूटोपिया है वर्क है, अगेन इसमें भी देखो डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन है, राइटर का नाम भी दिया हुआ है, वर्क का नाम भी दिया हुआ है, आपको लोकेशन बतानी है कि जो प्लॉट था वो कहाँ पे बेस्ड था. तो हम इससे क्या समझ रहे हैं कि हमें किस तरह प्रिपरेशन करनी है अपनी, पहले हमें एजेस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सी रोमांटिक एज है, विक्टोरियन एज है, कौन सी लिटरी एजेस है. फिर हमें ये पता होना चाहिए कौन सी राइटर किस एज को बिलोंग करता है. फिर हमें पर्टिकुलर राइटर्स के वर्क्स की लिस्ट तो पता होनी चाहिए. उसके बाद हमें उन वर्क का एक आउटलाइन भी पता होना चाहिए प्लॉट का, कि वो किस चीज़ के बारे में डील करता है वो वर्क, क्या उसमें यू नो थीम्स डिस्कशन है, क्या उसका बेसिक सेंट्रल आइडिया है, ये हमें बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है. नेम ऑफ कैरेक्टर्स हमें पता होना चाहिए, सेंट्रल आइडिया जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये वर्क है यूटोपिया, यूटोपिया का मतलब होता है एक आइडियल वर्ल्ड, ठीक है. तो उसी पे बेस्ड इन्होंने इनका नॉवल है कि इन्होंने एक ना आइडियलाइज्ड इमेजिन्ड एक सिटी इमेजिन की थी और वहाँ पे कुछ रूल्स बताए थे. तो उनके अकॉर्डिंग अगर ऐसा किसी कंट्री में सिटी में होता है इस तरह का गवर्नमेंट, तो वो एक आइडियल वर्ल्ड है अकॉर्डिंग टू थॉमस मोर, ठीक है. तो अब उन्होंने पूछा है कि जो इसकी लोकेशन है, मतलब जहाँ पे राइटर ने अपनी स्टोरी को बेस किया था, वो क्या थी, ठीक है. तो आउट ऑफ दिस एक्सट्रोपिया, द नेदरलैंड, द न्यू अटलांटिस एंड द न्यू वर्ल्ड, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. सो थॉमस मोर का जो यूटोपिया है वो सिचुएटेड था द नेवरलैंड में. तो सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन. ये वर्क पब्लिश हुआ था 1516 में एंड इज कंसिडर अ वेरी इंपॉर्टेंट यूटोपियन वर्क. ऑल राइट, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द प्ले बाय क्रिस्टोफर मार्लो इन विच दीज लाइन्स अकर. वॉज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड अ 1000 ships. ओके, सो द फोर्थ क्रिस्टोफर मार्लो एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, जो शेक्सपियर से पहले उन्होंने वर्क्स लिखे. उनके काफ़ी सारे ड्रामाज जैसे एडवर्ड सेकेंड, क्रिस्टोफर मार्लो, ये सारे उनके ड्रामाज हैं, ठीक है. ज्यू ऑफ माल्टा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं क्रिस्टोफर मार्लो के. अब उन्होंने आपको एक लाइन दे दी है, ठीक है, आपको लाइन में से, मतलब उन्होंने एक फ्रेज दे दिया कि आप राइटर बता दिया उन्होंने और फ्रेज दे दिया. अब आपको चूज़ करना है कि ये किस वर्क में से बिलोंग करती है, ठीक है. ये एक बहुत कॉमन पैटर्न है जो ड्रामाज होते हैं स्पेसिफिकली हमारे, उसमें से आपको और पोएट्री में से भी, उसमें से आपको लाइन उठा के डायरेक्ट दे देते हैं और पूछते हैं कि ये कहाँ से आया है. तो इसीलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे फॉस्टस है, डॉक्टर फॉस्टस है, इनका आंसर भी इसका डॉक्टर फॉस्टस ही है, ठीक है. तो जैसे इनका डॉक्टर फॉस्टस जो वर्क है, इसके अंदर यहाँ से ये लाइन उठाई गई थी, ठीक है. अब जैसे इनके वर्क हैं, एडवर्ड टू हो गया, जियो ऑफ माल्टा, क्रिस्टोफर मार्लो के वर्क्स हैं, उसके अलावा जैसे शेक्सपियर के वर्क्स हैं, हैमलेट है, मैकबेथ है, ठीक है. ये जो इस तरह के वर्क्स हैं, ट्वेल्थ नाइट हो गया हमारा, मिडसमर नाइट्स ड्रीम है, और बाकी सारे राइटर्स जैसे वर्ड्सवर्थ की काफ़ी सारी पोइट्रीज हैं, टिंटन एबी, सॉलिटरी रीपर, डैफोडिल्स, ये जो सारी पोइट्रीज हैं ना, इसमें से बहुत चांसेस हैं कि हमें डायरेक्ट लाइन उठा के हमें क्वेश्चन दे दें. कीट्स के ओड्स हैं, शेली के कुछ पोएम्स हैं जिसमें से कि डायरेक्ट लाइन्स आती हैं, कई बार ये पैटर्न रहा है. तो उन पोइट्रीज आपको सारे वर्क डिटेल में पढ़ना ना तो पॉसिबल है, और ना ही यू नो आपके लिए उनको रीगेन रखना इजी रहेगा, ठीक है. तो इसलिए सजेस्टेबल यही होता है कि सारी जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिसमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं और आने की प्रोबेबिलिटी इस बार है, उन वर्क्स को एटलीस्ट आप डिटेल में पढ़ो, ठीक है. ये सजेस्टेबल भी है कि जैसे अब इट्स नॉट पॉसिबल कि शेक्सपियर के सारे वर्क्स को आप इन डिटेल लाइन बाय लाइन पढ़ो, ठीक है, क्योंकि कितने सारे तो उनके ड्रामा, अगर मैं सिर्फ ड्रामा की बात करूँ, पोइट्री भी लिखी है उन्होंने, 144 सोनेट्स हैं उनके, उसके अलावा ड्रामा की अगर बात करूँ, मोर देन 30 उनके ड्रामाज हैं, ठीक है. तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सारे ड्रामा को लाइन टू लाइन पढ़ो, लेकिन आपको सारे ड्रामा का आउटलाइन पता होना चाहिए. कुछ जो इंपॉर्टेंट ड्रामाज है, जैसे शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उनको एटलीस्ट आप लाइन टू लाइन पढ़ो. उसमें से भी अगर आप सारी नहीं पढ़ सकते, तो एटलीस्ट जैसे हैमलेट हो गया, मैकबेथ है, यू नो ये तो आप एटलीस्ट लाइन टू लाइन पढ़ो, ठीक है. उसके अलावा बाकी जो ट्रेजेडीज़ है जिनको आप लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रहे हो, उनके आपको नेम ऑफ कैरेक्टर्स याद रहे, आउटलाइन क्या थी प्लॉट की, क्या यू नो स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ती है, कैरेक्टर्स का क्या इंपॉर्टेंस था, लीड कैरेक्टर कौन था, प्रोटैगनिस्ट कौन था, एंटागनिस्ट कौन था, सेंट्रल आइडिया क्या था वर्क का, वो सब आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. तो दिस इज द आंसर इज डॉक्टर फॉस्टस. ऑल राइट,
Next is identify the dramatist who does not belong to the group of dramatists known as university wits. All right. So, university wits क्या था? It was a group of writers, ठीक है, dramatists थे, Shakespeare से पहले के time पे थे. University wits थे basically, as you can see, university नाम उनके आ रहा है. ये कुछ group of writers थे जो कि you know prestigious universities से pass out थे, like Cambridge, Oxford, ठीक है. और उन according to them the art of literary productions was very मतलब एक उसको scholarly असिस्टेंस की ज़रूरत होती है. और अगर आपने क्लासिकल वर्क्स पढ़े, आप बहुत अच्छे तरीके से एजुकेटेड हो, तो अकॉर्डिंग टू देम तभी आप लिटरेचर लिख सकते हो, ठीक है. इनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया गया था लेटर ऑन, क्योंकि बाकी जब राइटर्स आए, जैसे शेक्सपियर है, ही वॉज नॉट वेरी फॉर्मली एजुकेटेड, ठीक है. तो जब शेक्सपियर है उसको उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया था इनमें से ही एक राइटर ने, ठीक है. कौन थे वो, आई विल टेल यू लेटर ऑन. तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया था कि यू नो एनी वन हु कैन कम फ्रॉम एवन, क्योंकि शेक्सपियर एवन से बिलोंग करते थे, कैन नॉट स्टार्ट जस्ट राइटिंग यू नो द उसको ड्रामा नहीं लिख सकता वो आके, और उसको लगेगा कि ही क्रिएट अ मास्टरपीस. क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम अगर आपको लिखना है तो आपको या तो ऑक्सफोर्ड से या कैम्ब्रिज से कहीं से आप पास आउट होने चाहिए हो, आपको पास बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है. दिस वॉज वट दे बिलीव्ड इन. और ये सारा जो ग्रुप था, इसमें 6-7 नेम्स आते हैं ग्रुप में, उन नेम्स आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है. यूनिवर्सिटी वीज पर बिल्कुल अलग से हमने लिटरेरी जो हमारे मूवमेंट्स और स्कूल्स के हमारी जो सीरीज़ उसके अंदर अलग से यूनिवर्सिटी वीज पर मैंने लेक्चर दिया है, ठीक है. उसके अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया कि कौन थे. मैंने अभी आपको बहुत सिंपल सा एक जस्ट एन इंट्रोडक्टरी आइडिया दिया कि बेसिकली ऐसे बिलोंग करते थे वो यूनिवर्सिटीज से, और वो क्लासिकल इसमें बिलीव करते थे, ऑलराइट. लेकिन जो लेक्चर है उसके अंदर हमने पूरा कवर किया है कि कौन कौन से नेम्स इसके अंदर आते हैं, क्योंकि एक लिस्ट है 6-7 नेम्स उसके अंदर, वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आने की 90% से भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है. तो वो सारे नेम्स आपको लर्न होने चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था, यूफीएस जॉन लाइलाई का वर्क है, वो भी एक यूनिवर्सिटी विट है, उसी यूनिवर्सिटी विट्स को ही बिलोंग करते हैं वो जॉन लाइलाई भी, ठीक है. तो उनके नेम्स आपको पता होने चाहिए, कुछ कुछ के इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि उन्होंने किस जॉनर में काम किया. बेसिकली यूनिवर्सिटी विट्स होते क्या थे, बिलीव क्या करते थे वो लोग, कहाँ से आए थे, उनका क्रिटिसिज्म किसने किया, और उन्होंने खुद ने किसका क्रिटिसिज्म किया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो उस एरा के लिटरेचर में, ठीक है. अब देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट यही है कि आपको चार नाम दिए गए हैं, आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पर्सन यूनिवर्सिटी विट नहीं है, ठीक है. तो अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे तभी कर पाओगे जब आपको लिस्ट पता होगी कि कौन कौन होते हैं, ठीक है. तो आउट ऑफ दिस थॉमस नैश, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस किड, सिरिल टॉर्नियर, द आंसर इज नंबर 4, दैट इज सिरिल टॉर्नियर. ही वॉज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट. तो इससे आपको क्या लर्न हुआ कि ये तीनों यूनिवर्सिटी विट है. तो चार नेम्स तो आपको लर्न हो गए, बाकी आपको लेक्चर से लर्न हो जाएंगे. तो चार नेम कौन से, थॉमस नैश, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस किड, और फर्स्ट जो हमारे सेकंड क्वेश्चन में जो आंसर था जॉन लाइलाई, वो भी यूनिवर्सिटी विट में आते हैं. तो प्लीज रिमेंबर इट, अभी याद कर लो इसको, चार यूनिवर्सिटी विट के नेम्स यहीं पर लर्न कर लो, बाकी के लिए प्लीज गो टू द लेक्चर. सो थॉमस नैश, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस किड एंड जॉन लाइलाई आर द 4 यूनिवर्सिटी विट्स विच वी हैव डिस्कस्ड. ऑल राइट. सिक्स जो हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पोएट्स पोएट. अब ये एक टर्म है जो एक राइटर ने दी थी इन चारों में से किसी को, तो किसको कहा जाता है पोएट्स पोएट, ठीक है. हमारे ऑप्शन है जॉफ्री चौसर, विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर एंड जॉन मिल्टन. तो पोएट्स पोएट का सही आंसर है एडमंड स्पेंसर. यहाँ पे प्लीज़ इसको भी याद रखो कि किसने ये पोएट्स पोएट कहा था एडमंड स्पेंसर को, तो उन्होंने वो कहा था चार्ल्स लैम्ब ने. चार्ल्स लैम्ब वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोमांटिक एसेस्ट. उन्होंने पोएट्रीज भी लिखी हैं, सोनेट्स भी लिखे हैं, लेकिन ज़्यादातर वो जो आज लिटरेचर में जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं अपने एसेज़ के लिए, ठीक है. एसेज ऑफ इलिया नाम से उनका एक कलेक्शन है, एलिया उनका पेन नेम था. इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ये जो नाम है एलिया, ये नाम था चार्ल्स लैम्ब का. ओके, ऑल राइट. तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, आई थिंक इसी पेपर में भी आगे क्वेश्चन है इस पे कि एलिया जो है ये किसका पेन नेम है. तो ये नाम चार्ल्स लैम्ब का है, और पोएट्स पोएट का जो एक टाइटल था वो एडमंड स्पेंसर को दिया था चार्ल्स लैम्ब ने. ओके, प्लीज रिमेंबर ऑल दीज डिटेल्स. द रेड क्रॉस नाइट इन द फेरी क्वीन रिप्रेजेंट्स. तो रेड क्रॉस नाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फेरी क्वीन का, ठीक है. तो उसके अंदर वो रेड क्रॉस नाइट एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग को, एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. वो क्या थी, ऑप्शन था ट्रूथ, होलीनेस, टेम्परेंस, कर्टसी. तो आपको इन चारों में से चूज़ करना है कि जो रेड क्रॉस नाइट है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. द आंसर इज होलीनेस, दैट इज स्पिरिचुअल प्योरिटी जो आपकी होती है, योर हार्ट एंड योर सोल, दैट इज व्हाट रेड क्रॉस नाइट रिप्रेजेंट. रेड क्रॉस नाइट एक कैरेक्टर है फ्रॉम द वर्क फेरी क्वीन, ठीक है. विच पोएम प्रोनाउंसेज द पोएट्स एम एज फियर्स वॉर्स एंड फेथफुल लव्स शैल मॉरलाइज माई सॉन्ग. तो अगेन इसका आंसर यही है द फेरी क्वीन.
तो देखो फेरी क्वीन आपको समझ आ गया होगा, दो क्वेश्चन जब एक ही टॉपिक से आ गए तो कितना इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक. तो द फेरी क्वीन जो है इसको हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है. इन डिटेल हमें इसकी स्टडी करनी है. देखो लाइन दी हुई है कि पोएट का मतलब वहीं से लाइन दी हुई है, फियर्स वॉर्स एंड फेथफुल लव्स शेल मॉरलाइज माई सॉन्ग. तो लाइन भी दी हुई है, कैरेक्टर के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा है, कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है. तो एज यू कैन अंडरस्टैंड कि फेरी क्वीन आपको इन डिटेल पढ़ना है फॉर दिस एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. That was our eighth question. Now next, who is the author of the book The Spanish Tragedy? तो स्पेनिश ट्रेजेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जिसने आगे की जैसे बाद के जो राइटर्स हैं स्पेशली जैकोबिन एज जो हमारी एलिजाबेथन एज के बाद आती है 1603 से 1625 तक जो हमारी जैकोबिन एज है उसके अंदर एक ड्रामा था, एक जॉनर ऑफ ड्रामा था जो बहुत फेमस था जिसका नाम था रिवेंज ड्रामा या फिर रिवेंज ट्रेजेडी बोलते हैं उसको, ठीक है. उसके उस पूरे जॉनर पे जो है इनका द स्पेनिश ट्रेजेडी जो वर्क है इसका बहुत इन्फ्लुएंस रहा है. तो आपसे डायरेक्ट पूछा है कि बुक का नाम दिया है स्पेनिश ट्रेजेडी और उसके राइटर कौन है, तो उसके राइटर थे थॉमस किड, ठीक है. थॉमस किड का और इनके वर्क द स्पेनिश ट्रेजेडी का बहुत डीप इन्फ्लुएंस है रिवेंज ड्रामा रिवेंज ट्रेजेडी का जो जॉनर है जिसमें कि जॉन वेबस्टर के वर्क उसमें आते हैं और भी काफ़ी सारे राइटर्स हैं जो कि जैकोबिन एज में लिखते थे, ठीक है. तो जैकोबिन ड्रामा या रिवेंज ट्रेजेडी रिवेंज ड्रामा अलग अलग नाम है इसके, वेंजियंस ड्रामा, ठीक है, ये सारे नाम एक ही जॉनर के हैं. उनके ऊपर इनका थॉमस किड का वर्क द स्पेनिश ट्रेजेडी का बहुत हैवी इन्फ्लुएंस रहेगा, जैसे जॉन वेबस्टर के वर्क्स हैं डचेस ऑफ माल्फी वाइट डेविल, ठीक है. इनके ऊपर आपको देखेगा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस स्पेनिश ट्रेजेडी का, तो इसलिए ये वर्क इंपॉर्टेंट है. अगेन वही पैटर्न है, वर्क दे दिया आपको, राइटर का नाम बताना है. हु रोट द प्रेज ऑफ फॉली, तो अगेन द सेम पैटर्न कि आपको वर्क का नाम दे रखा है, वर्क का नाम क्या है प्रेज ऑफ फॉली और आपको राइटर चूज करना है, ठीक है. तो आउट ऑफ फिलिप मैसिंगर फ्रांसिस बियोमो शर्ली एंड इरास्मस आंसर इज डिसाइडर्स इरास्मस, ठीक है. तो प्लीज़ देखो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग हर पीरियड के इंपॉर्टेंट राइटर्स और उनके वर्क्स के नाम प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर एज मच एज पॉसिबल. यू कैन मेक अ चार्ट एंड पुट इट इन योर रूम, माइंड मैप्स बना सकते हो जैसे हमने जो PDFs प्रोवाइड करें जिसमें कि हमने लिस्ट बना के दिए पूरे राइटर्स की पीरियड वाइज डिवीजन किया है, फिर उसमें इंपॉर्टेंट राइटर्स और उनके इंपॉर्टेंट वर्क जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करने हैं आप उसका प्रिंट आउट निकाल के यू कैन कीप इट पेस्टेड समवेयर, तो आपको जाते जाते उस पर नजर आती रहे एंड यू नो यू रिमेंबर इट फॉर योर एग्जाम. ऑलराइट, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दिस इज ऑफ व्हाट डज बेकन सेज दैट इट डज ऑफेंड द लॉ पुटथ द लॉ आउट ऑफ ऑफिस. तो इसके अंदर हमें पूछा गया, फ्रांसिस बेकन जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश एसेइस्ट हैं, उनके एक ऐसे में से हमें डायरेक्ट लाइन उठा के दिए और हमसे पूछा गया कि ये मतलब जब फ्रांसिस बेकन इसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा लाइक ट्रूथ एनवी रिवेंज और सिम्युलेशन वो क्या चीज़ है जिससे कि इफ़ इट कम्स इट थ्रोज एवरीथिंग आउट. तो द आंसर इज़ रिवेंज. उनके एसेज हैं बहुत सारे जिसका जैसे ऑफ रिवेंज ऑन ट्रूथ ऑन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन ऑन मैरिज ऑन डाइवोर्स, ठीक है, ऑन एनवी ऑन सिमुलेशन, ये सारे उनके एसेज के टाइटल्स हैं जिसमें कि पर्टिकुलरली वो उन टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आंसर है रिवेंज, रिवेंज के बारे में उन्होंने ऐसे डिस्कस किया. तो फ्रांसिस बेकन अगेन वी हैव टू डू इट इन डिटेल. बेन जॉनसन्स द एल्केमिस्ट प्रेजेंट्स ट्रिक्सटर्स एंड गर्ल्स ऑफ होम डैश इज द मोस्ट मास्टरली. तो बेन जॉनसन अगेन यहाँ पे आपको देख रहे हो आप कि कैरेक्टर्स के बारे में क्वेश्चन हैं, लाइन्स के ऊपर क्वेश्चन हैं, राइटर्स के ऊपर, राइटर के वर्क्स के ऊपर. बेन जॉनसन का वर्क था द एल्केमिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ दैट पीरियड, ठीक है. तो उसके अंदर उन्होंने उसकी डायरेक्ट उन्होंने लाइन दी कि ट्रिक्सटर्स एंड गर्ल्स ऑफ होम डैश इज द मोस्ट मास्टरली. तो अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन ट्रिक्सटर्स एंड गर्ल्स मतलब पीपल हु मेक फूल आउट ऑफ अदर पीपल, उसमें से सबसे मास्टरली कौन है, किसके बारे में वो बात करें, द आंसर इज सटल. ओके, सो ही इज टॉकिंग अबाउट दिस कैरेक्टर. 13th, who were called the tribe of Ben? देखो बेन जॉनसन अब देख सकते हो दो क्वेश्चन डायरेक्टली बेन जॉनसन के हैं कंटिन्यूसली. तो बेन जॉनसन एक इंपॉर्टेंट राइटर है जो आपको डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है. तो ऑल दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो काइंडली यू नो साथ के साथ प्लीज कीप मेकिंग योर नोट्स बिकॉज आई एम गिविंग यू द पॉइंट्स गिविंग यू द टॉपिक्स विच यू हैव टू डू इट इन डिटेल फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ऑल राइट, सो हु वर कॉल्ड द ट्राइब ऑफ बेन. ट्राइब ऑफ बेन एक फ्रेज था जो क्रिटिक्स ने यूज़ किया है कुछ ग्रुप ऑफ पोएट्स के लिए. तो किसको कहा जाता था, क्या उनकी क्वालिटी थी जिसकी वजह से उनको साथ में ग्रुप किया गया है, उनकी क्वालिटी थी द पोएट्स हु फॉलोड बेन जॉनसन, जो बेन जॉनसन को अपना आइडियल मानते थे, उनको मतलब उनकी टेक्निक्स को फॉलो करते थे, काइंड ऑफ अपना गाइड मानते थे उनको, उन ग्रुप ऑफ राइटर्स को हम बोलते हैं ट्राइब ऑफ बेन. ओके. 14th, आई एम अ मैन मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग.
इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द प्ले. ठीक है, अब ये देखो डायरेक्ट फ्रेज है. अब ये फ्रेज है शेक्सपियर के एक प्ले से. सारे शेक्सपियर के ड्रामास के नाम दिए हुए हैं, किंग लियर, जूलियस सीजर, रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो, जिसमें से कि जूलियस सीजर उनका उन्होंने काफ़ी सारी हम कह सकते हैं ना जॉनर्स में वर्क किया है. जैसे हिस्टोरिकल प्लेज लिखे हैं उन्होंने, पॉलिटिकल प्लेज लिखे हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल एक ही है, ठीक है, काइंड ऑफ मिक्सड है उनका. देन रोमांटिक है उनके, कॉमेडीज़ हैं, रोमांटिक कॉमेडीज़ हैं, ट्रेजिडीज़ हैं, ट्रेजी कॉमेडीज़ हैं, ठीक है, अलग अलग उनकी कैटेगरी है. तो मैंने अभी कहा था शेक्सपियर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. अभी डायरेक्ट क्वेश्चन है, आई एम अ मैन मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग. उन्होंने पूछा कि ये कौन से वर्क में से लिया गया है, तो आपको चूज करना है इसमें से. द आंसर इज किंग लियर. किंग लियर के लिया है. और ये कई बार ये भी पूछते हैं कि इस लाइन का स्पीकर कौन है, तो यहाँ पे इस लाइन के स्पीकर किंग लियर ही थे. जो अगर आपको प्लॉट से आप फेमिलियर होंगे तो आप इजीली यू नो, इवन अगर आपने लाइन टू लाइन नहीं भी पढ़ा है, वैसे आई विल सजेस्ट कि किंग लियर, ओथेलो और ये जो वर्क्स हैं इनको तो प्लीज़ आप लाइन टू लाइन पढ़ो, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, अगर आप लाइन टू लाइन भी नहीं पढ़ रहे हो, बहुत आपको लग रहा है कि बहुत वाइड सिलेबस हो जाएगा, तो एटलीस्ट जो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, कुछ डायलॉग्स हैं जो बहुत फेमस हैं, जैसे सॉलिलोक्वीज हैं कई सारी, जैसे हैमलेट है उसके अंदर टू बी और नॉट टू बी उनका जो सॉलिलोक्वी है, एटलीस्ट उसको तो आप पूरा पढ़ो, लाइन टू लाइन पढ़ो, उसको समझो. ठीक है, वी हैव कवर्ड ऑल दिस इन आर लाइव लेक्चर्स, यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम देयर ऑल्सो. ठीक है, तो एटलीस्ट उनको तो आप पढ़ो, क्योंकि आप यू कैन सी फ्रॉम द पैटर्न कि डायरेक्ट लाइन उठा के क्वेश्चन दिया जाता है. ठीक है, तो आई सजेस्ट कि प्लीज़ रीड द सम सर्टन इंपॉर्टेंट ड्रामाज इन पोएट्री बाय शेक्सपियर लाइन टू लाइन. ओके, सो आई एम अ मैन मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम किंग लियर. तो किंग लियर के अगर आपने नहीं भी पढ़ी होगी ना लाइन टू लाइन, तो अगर आपको ब्रीफ आउटलाइन है, जैसे मैंने कहा अभी कि एटलीस्ट आउटलाइन तो आपको पता होना चाहिए, कैरेक्टर्स के नाम आपको पता होना चाहिए, तो आप इस लाइन से ही समझ जाओगे कि इस तरह की थीम जो है किस प्ले में है और कौन कह सकता है ये डायलॉग. यू नो, एक इंटेलेक्चुअलली आप उसको क्वेश्चन को एनालाइज करके भी आंसर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, देन ओनली यू कैन डू दैट. ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. द कैरेक्टर बॉटम अपीयर्स इन द फॉलोइंग शेक्सपियरियन कॉमेडी. तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, कैरेक्टर की लिस्ट, मैंने कहा था लिस्ट तो याद रखनी ही रखनी है. तो उन्होंने पूछा कि बॉटम नाम का जो कैरेक्टर है शेक्सपियर के कौन से वर्क में हमें देखने को मिला है, और इन्होंने ये भी बता दिया कि ये किसी एक कॉमेडी का कैरेक्टर है. ठीक है, तो कौन सी कॉमेडी का कैरेक्टर है? एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, कॉमेडी ऑफ एरर्स. आंसर इज नंबर सी, मिडसमर नाइट्स ड्रीम. तो यहाँ से आप ये लर्न कर सकते हो चार उनकी कॉमेडीज़ के नाम. प्लीज़ रिमेंबर इट, अभी डिस्कशन कर रहे हैं, अभी के अभी प्लीज़, क्योंकि ये तो आपका कंप्लीट हो जाए, बाकी चीज़ों पर बाद में फोकस करो. तो एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये चार कॉमेडीज़ है जो शेक्सपियर ने लिखी थी, और उसमें से बॉटम नाम का एक कैरेक्टर था उनके प्ले मिडसमर नाइट्स ड्रीम के अंदर. ओके, कैरेक्टर लिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन एंड अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, प्लीज फोकस ऑन दैट. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड होमर्स द इलियड एंड द ओडिसी. ठीक है, तो इसमें से हमें क्वेश्चन है कि द इलियड और ओडिसी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिकल वर्क हैं, क्लासिकल राइटर थे हमारे होमर उनके. इसको इंग्लिश में किसने पहली बार ट्रांसलेट किया था कंप्लीट, मतलब एक्सेप्ट तो अलग अलग लोगों ने इससे पहले भी ट्रांसलेट करके, लेकिन कंप्लीट वर्जन किसने ट्रांसलेट किया था, ये कंपेरेटिवली बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत डिस्कशन होता रहता है. आंसर है जॉर्ज चैपमैन. ठीक है, वन मोर फैक्ट रिगार्डिंग इट इज़ कि जॉन कीट्स जो हैं, जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोमांटिक राइटर हैं, पोएट हैं, उन्होंने एक सोनेट लिखा है अपना स्पेसिफिकली इस ट्रांसलेशन को डेडिकेटेड, जो चैपमैन ने किया है, ऑन लुकिंग फर्स्ट इन टू चैपमैन्स होमर. ठीक है, उन्होंने ये इस टाइटल से अपना एक सोनेट लिखा है. 99% इट्स अ सोनेट, बट आई एम नॉट श्योर, शायद ओड भी हो सकता है, बट 99% इट्स अ सोनेट ओनली. ठीक है, तो उन्होंने ये अपना सोनेट लिखा है, इसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली वो डेडिकेट किया है कि जब पहली बार, क्योंकि ही इज़ एन इंग्लिश रीडर राइट, उन्होंने उन्हें क्लासिकल होमर की जो लैंग्वेज थी वो नहीं पता थी, तो उन्होंने चैपमैन का जो ट्रांसलेशन था होमर का वो पढ़ा है, नहीं वो सो इन्फ्लुएंस्ड एंड सो यू नो he liked it so much that he wrote he dedicated a poem to Chapman. तो वहाँ से भी आप लर्न कर सकते हो कि कीट्स का इंपॉर्टेंट, अब आपको कीट्स का इंपॉर्टेंट एक वर्क का नाम याद हो गया, ऑन फर्स्ट लुकिंग इन टू चैपमैन्स होमर. यहाँ पर आपको ये याद हो गया कि जॉर्ज चैपमैन जो है उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इलियड और ओडिसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था. ठीक है, प्लीज़ टू रिमेंबर ऑल दीज डिटेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. 17. द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल शेक्सपियरियन सोनेट इज. तो इसका इसके अंदर आपको इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सोनेट क्या होता है. सबसे पहले सोनेट जो कि हमारा जो
लेक्चर सीरीज जिसमें हमने लिटरेरी डिवाइसेस, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री वगैरह डिस्कस किया, उसके अंदर मिल जाएगा आपको डिटेल डिस्कशन सोनेट का कि कहाँ से आया, किसने पहली बार यूज़ किया. मैं भी जस्ट एक ब्रीफ सा इंट्रो दे रही हूँ. सोनेट बेसिकली होता है 14 लाइन पोएम, ठीक है. अब वो 14 लाइन्स जो है वो किस तरह से ग्रुपिंग हुई हुई है उस पर डिपेंड करता है कि अलग अलग टाइप्स ऑफ सोनेट. जैसे मिल्टन का सोनेट होता है, मिल्टोनिक सोनेट है, उसका पैटर्न अलग है. लाइन सब में 14 होंगी, शेक्सपियर सोनेट, ठीक है, मिल्टोनिक सोनेट, प्लूटार्क सोनेट, जो भी हमारा डिवीजन है ना, लाइन सब में 14 ही होंगी. लेकिन उन 14 लाइंस को किस तरह ग्रुप कर रहे हैं पोएट, वो सबका अलग अलग होता है, ठीक है. तो जैसे शेक्सपियर है, उनकी ग्रुपिंग के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको हमने शेक्सपियरियन सोनेट दे दिया. मिल्टन ने कैसे किया, मिल्टोनिक सोनेट हो गया, ठीक है. तो इस पर डिपेंड करता है. तो जो हमारे लेक्चर उसमें हमने कवर किया है, तो फर्स्ट टाइम जो सोनेट यूज़ हुआ था, इटली से ये ट्रेंड आया था इंग्लिश में, और सरे और व्यात एंड अर्ल ऑफ सरे, ठीक है, दीज टू आर द पीपल हु आर क्रेडिटेड फॉर ब्रिंगिंग सोनेट ट्रेडिशन इनटू इंग्लिश लिटरेचर. तो ये एलिजाबेथिन टाइम से भी पहले, ठीक है, दे ब्रॉट इट. उसके बाद अलग अलग टाइप के सोनेट्स हमें पढ़ने हैं, कहाँ से आए, क्या होता है उस सोनेट्स का, यू नो, कैसे डिवीजन होता है. तो उसमें से शेक्सपियरियन सोनेट का क्या पैटर्न होता है, ये हमारा क्वेश्चन है. तो एन ऑक्टिव एन असेस्टेट, थ्री क्वार्टरेंस एंड कपलेट, एन ऑक्टिव क्वार्टरेन एंड कपलेट, कपलेट फॉलोड बाय थ्री क्वार्टरेंस, इसमें आंसर है हमारा नंबर टू. दैट इज़ ये शेक्सपियरियन सोनेट का पैटर्न होता है. मैं थोड़ा सा ही टर्म समझा देती हूँ ब्रीफ में, बाकी डिटेल डिस्कशन के लिए आप लेक्चर देखो. ऑक्टेव मतलब 8 लाइंस का ग्रुप, सेस्टेट मतलब 6 लाइंस का ग्रुप, क्वार्टरेंस मतलब 4 लाइंस का ग्रुप, कपलेट मतलब 2 लाइंस का ग्रुप. मैं लिख देती हूँ, ठीक है. तो ऑल दोज हु आर मेकिंग नोट्स, काइंडली रिमेंबर, ऑक्टेव मीन्स 8 लाइंस, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए हम डिस्कसिंग इट इन डिटेल. ऑक्टेव मतलब 8 लाइंस, सेस्टेट मतलब 6 लाइंस, क्वार्टरेन मतलब 4 लाइंस, कपलेट मतलब 2 लाइंस, ऑक्टेव अगेन 8 लाइंस, 4 लाइंस, 2 लाइंस, 2, 4, ठीक है. तो यहाँ पे आपका यू नो थोड़ा सा मैंने डिटेल ब्रीफ में आपको बता दिया कि कितनी लाइंस को, तो इन ये इतनी लाइंस का जो ग्रुप बनता है उसके लिए ये वर्ड हम यूज़ करते हैं. शेक्सपियरियन जो सोनेट होता था, आंसर नंबर है 2. शेक्सपियरियन जो सोनेट होता था उसका पैटर्न होता था 3 क्वार्टरेंस एंड अ कपलेट. तो 3 क्वार्टरेंस मतलब 1, 2, 1, 2, 3, 4. वन क्वार्टरेन हो गया, अगेन सेकेंड जिसमें कि 4 लाइंस होंगी, देन थर्ड जिसमें कि 4 लाइंस होंगी, एंड देन अ कपलेट जिसमें 2 लाइंस होंगी. तो अब गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो गई 14. तो इक्वल टू तो 14 ही होगा. अब इन सब में ये अलग अलग पैटर्न है, इनके अलग अलग नेम्स आएंगे, अलग अलग राइटर्स ने इनको यूज़ किया है, तो आंसर सबका 14 ही होगा. एंड में सबने 14 ही लाइंस लिखी होती हैं, लेकिन जिस तरह से उन लाइंस की ग्रुपिंग कर रहे हैं, कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट फॉर एवरी राइटर. ऑल राइट, सो द आंसर फॉर शेक्सपियरियन सोनेट इज 3 क्वार्टरेंस. दैट इज उनका ये पैटर्न होता था शेक्सपियर के जितने भी सोनेट्स हैं, 144 सोनेट्स हैं उनके, उनका जो पैटर्न है उसमें ज़्यादातर उन्होंने यही फॉलो किया है कि उन्होंने पहले वो 3 क्वार्टरेंस लिखते थे 4-4 लाइनों के, नीचे एक कपलेट होता था 2 लाइन का, ठीक है. दिस इज द पैटर्न दैट शेक्सपियर फॉलोज. तो इसको हम कहते हैं शेक्सपियरियन सोनेट. ओके, 18 नंबर क्वेश्चन है, द लाइंस स्टोन वॉल्स डू नॉट अ प्रिजन मेक, नॉर आयरन बार्स अ केज, आर फ्रॉम, ठीक है. अब देखो अगेन, आपको डायरेक्ट लाइन उठा के दी है पोएट्री में से, ये लाइन डायरेक्ट आपको लाइन उठा के दी है, आपको राइटर और वर्क चूज करना है उसका, ठीक है. तो इसमें से आंसर है हमारा फिलिप सिडनी का एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, एडमंड स्पेंसर एपिथेलोमियन, लव लेसेज एथलिया फ्रॉम प्रिजन, बेन जॉनसन एवरी मैन इन इज ह्यूमर. तो आंसर इज रिचर्ड लव लेसेज टू एथलिया From prison. All right. So this is a work by Lovelace, जिसका title था Athalia from prison. इसमें से direct हमें ये line उठा के दी है, stone walls do not a prison make, nor iron bars a cage. ठीक है. तो again please focus on the fact कि writer के works, character के नाम और important lines पे questions आते हैं, तो इस तरह से आपको अपना follow करना है अपनी preparation strategy. Which of Andrew Marvel's poem deals with the theme of Carpe Diem? अब Carpe Diem जो है बहुत important theme है literature में, in fact जैसे इसमें से इन्होंने direct writer का नाम भी आपको बता दिया, Andrew Marvel के works में दिखेगी. Then especially हमारे जो Victorian literature है, जैसे Robert Browning है, उनके work में ये theme आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी. In fact जब हम Robert Browning पढ़ेंगे, ठीक है, when you'll see it in our lectures, तो Robert Browning में हमने specifically discuss किया कि उनके works की कुछ common themes हैं, जैसे
कार्पे डीम उसमें से वन है, ठीक है. कार्पे डीम का बेसिकली मतलब होता है सीज द डे, मतलब वट एवर इट इज़ टुडे गिव योर 100% एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ टुडेज डे, ठीक है. ये उसका एक ब्रीफ मैंने हल्का सा आइडिया दिया आपको. तो इसमें से एंड्रयू मार्वेल की कौन सी पोएट्री का थीम कार्पे डीम है, अगेन वही पैटर्न है, सेंट्रल थीम के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है. तो आपको उनके चार वर्क्स का नाम दिया गया है जो कि एंड्रयू मार्वेल लिखे, तो आपको चूज़ करना है कि इनमें से सेंट्रल थीम कार्पे डीम किस वर्क की है. थॉट्स इन अ गार्डन, कॉई मिस्ट्रेस, होरेशियन ओड अपॉन एपल्टन हाउस. आंसर इज टू हिज कॉई मिस्ट्रेस. कॉई मिस्ट्रेस उनका एक बहुत फेमस वर्क है, उसका सेंट्रल थीम या उसका आउटलाइनिंग जो आइडिया है वो है कार्पे डीम, दैट इज सीज द डे, मतलब डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर, वट एवर इज लाइक जो अभी आजकल कॉमन एवरीडे यूज में वर्ड है योलो, YOLO, यू ओनली लिव वंस, उसका ही एक तरह से आप कह सकते हो लिटरली ट्रांसलेशन होता है कार्पे डीम सीज द डे, मतलब वट एवर इट इज टूडे प्लीज मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. ऑल राइट. 20, हु सेज ऑफ डन ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स. तो देखो यहाँ पे अब क्वेश्चंस का पैटर्न मैं बता देती हूँ थोड़ा सा. जैसे एंड्रयू मार्वेल पे क्वेश्चन है, उसके बाद डन पे क्वेश्चन है, इनका जो ग्रुप है राइटर्स का उनको हम कहते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स, ठीक है, मेटाफिजिकल. अब मेटा का क्या मतलब होता है, मेटा मतलब, अब ये दो वर्ड से बना है, मेटा एंड फिजिकल. मेटा मतलब बियॉन्ड, फिजिकल मतलब फिजिकल वर्ल्ड, मतलब हमारी जो आसपास की वर्ल्ड है हमारा. तो मेटाफिजिकल पोएट्स एक ग्रुप है जिसका मैंने थोड़ा सा मैं ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ आपको. मेटा होता है बियॉन्ड फिजिकल, मतलब वो राइटर्स का ग्रुप है ये जो जिनकी राइटिंग में हमें थीम्स या फिर आइडियाज़ ज़्यादातर जो दिखते हैं वो बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड, मतलब मोर इनटू स्पिरिचुअल अरीना में, और थिंक मोर टॉकिंग अबाउट मोर यू नो अबाउट द थिंग्स दैट आर बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, मतलब बियॉन्ड द जो हमें अपनी इन आईज से दिखता है, टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, मोरालिटी, रिलीजन, लव एंड ऑल दीज काइंड ऑफ इमोशंस एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. मेटाफिजिकल पोएट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ पोएट्स है, अगेन इन द लेक्चर सीरीज जहाँ पे यूनिवर्सिटी विट्स हमने डिस्कस किया, अलग अलग इंपॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ लिटरेचर, स्कूल्स ऑफ पोएट्री ड्रामा रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी विट्स हो गया, अभी मेटाफिजिकल पोएट्स भी उसी सीरीज में आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर भी बहुत डिटेल डिस्कशन, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो आपको नाम याद रखने हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, जैसे जॉन डन हो गए, एंड्रयू मार्वेल, हेनरी वॉन, ऑल राइट, ठीक है. तो ये अलग अलग राइटर्स हैं. देन उसके बाद इनको मेटाफिजिकल इन्होंने खुद ने नहीं बोला था कभी, इनको मेटाफिजिकल नाम दिया गया, तो किसने ये नाम दिया, इस पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. तो आई एम टेलिंग डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये नाम दिया था इन ग्रुप ऑफ राइटर्स को. और जब उन्होंने ये नाम दिया था ना, उन्होंने एज अ तारीफ नहीं, उन्होंने एज एन इंसल्ट उनको ये नाम दिया था, ठीक है. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जो ये लिखा था अपने एक वर्क में, लाइफ ऑफ काउली. अब्राहम काउली भी एक मेटाफिजिकल पोएट ही हैं. अब्राहम काउली का के ऊपर उन्होंने वर्क लिखा था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, जिसका नाम है लाइफ ऑफ काउली. उसके अंदर इन्होंने इन सारे राइटर्स को एक ग्रुप में बना दिया था और उसको नाम दिया था मेटाफिजिकल पोएट्स, ठीक है. इनिशियली इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे ये लोग, क्योंकि मेटाफिजिकल को एक तरह से इस तरह से माना जाता था कि यू नो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग रेलेवेंट, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इररेलेवेंट थिंग्स. उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि सिमिलीज बहुत यूज़ करते हैं इस तरह से. तो उसको उन्होंने कहा था कि यू नो बहुत ही लाइक उसको नेगेटिव लाइट में डाला था. 20th सेंचुरी में T.S. एलियट ने मेटाफिजिकल पोइट्स के ऊपर एक ऐसे लिखा जिसकी वजह से आज मेटाफिजिकल पोइट्स की बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है और उनको एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिली इंग्लिश लिटरेरी स्टडीज़ में. अदरवाइज उससे पहले T.S. एलियट के ऐसे से पहले कोई उनको मतलब इतना इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं किया जाता था, ठीक है. नाउ दे आर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस इफ़ यू नोटिस मोस्ट ऑफ द यू नो लिटरेचर कोर्सेज, आई एम श्योर अंडरग्रेड स्टूडेंट्स भी होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में तो होता ही, अंडरग्रेड स्टूडेंट्स ने भी एक ना एक मेटाफिजिकल पोएट की पोएट्रीज तो पढ़ी होंगी, जिसमें से जॉन डन इज लाइक 95% ऑफ द कॉलेजेस टीच जॉन डन एज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम फॉर इंग्लिश लिटरेचर. तो नो मैटर आपने ऑनर्स किया है, पास कोर्स किया है, मेटाफिजिकल पोएट्स का एक तो मिनिमम है ही, उससे ज़्यादा भी होते ही हैं, के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है. तो मेटाफिजिकल पोएट इंपॉर्टेंट है, प्लस इतना हार्ड नहीं होता है, ईजी टॉपिक है. तो प्लीज़ इस पर फोकस करना, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके वर्क की, जैसे सिमिली का यूज़ हो गया, यू नो जिस एलिट्रेशन है, जो भी उनके फार फेच्ड आइडियाज़ होते हैं, होमोजीनियस मिक्स, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं प्लीज़ उस पर फोकस करना. और स्पेशली डेफिनेशन जो हैं, जो सैमुअल जॉनसन ने उनके बारे में बोला है, उस पर भी फोकस करना है. तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डन के बारे में. अब जॉन डन जो है वो भी एक मेटाफिजिकल पोएट
पोएट थे उनके बारे में कहा गया, ये एक लाइन है जो ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, तो किसने कही है? आंसर इज जॉन ड्राइडन। ये भी एक कॉमन पैटर्न है कि किसी राइटर के बारे में किसी और राइटर ने अगर कुछ कहा होता है और वो फेमस हो गया तो उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं कई बार। जैसे चार्ल्स लैम्ब ने स्पेंसर के लिए कहा था पोएट्स ऑफ पोएट, उस पर क्वेश्चन आया। यहाँ पर ड्राइडन ने डन के लिए बोला ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, तो उस पर आपने देखा डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ फोकस ऑन दीज फ्रेजेज एंड डायलॉग्स ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलिप सिडनीज आर्केडिया। फिलिप सिडनी का आर्केडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। फिलिप सिडनी के काफ़ी सारे वर्क्स हमें पढ़ने हैं, स्पेशली एज अ पोएट और एज अ राइटर तो पढ़ना ही है, उनको एज अ क्रिटिक भी हमें पढ़ना है। जो पेपर वन है हमारा उसके अंदर जो हमारी यूनिट नंबर टू है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, उसमें जो रेनेसा और मिडिल एज क्रिटिसिज्म का वाला जो टॉपिक है उसके अंदर भी फिलिप सिडनी के वर्क्स हमें पढ़ने हैं। अपोलॉजी फॉर पोएट्री उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी क्रिटिसिज्म का वर्क है, सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट। उसके साथ साथ अब आर्केडिया इनका एक वर्क था, तो उसमें क्वेश्चन अब हमारे पास है कि उसका जॉनर हमें बताना है कि किस जॉनर को बिलोंग करता है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ पोएट्री। तो आर्केडिया एक एपिक पोएम है, वर्स ड्रामा, प्रोज रोमांस और अ बैले। तो आंसर इज इट्स अ प्रोज रोमांस, मतलब रिटन इन प्रोजेक लैंग्वेज एंड इट्स अ रोमांस। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज रिजल्टेड इन द क्लोजर ऑफ ऑल द थिएटर्स, ऑल फूल्स, द आइल ऑफ डॉग्स, द वाइट डेविल, पोचेस्टर। तो हमें ये पूछा गया है कि इसमें से कुछ एक प्ले था जिसकी वजह से सारे थिएटर्स बंद हो गए थे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल और लिटरेरी हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें से द आंसर इज द आइल ऑफ डॉग्स। आइल ऑफ डॉग्स जो है लिखा था बेन जॉनसन एंड उनके साथ थॉमस नैश ने लिखा था इन द ईयर 1597। तो बेन जॉनसन एंड नैश, थॉमस नैश एक यूनिवर्सिटी विट को ही बिलोंग करते हैं, जो ग्रुप है यूनिवर्सिटी विट का उसको बिलोंग करते हैं, एंड दे रोट इट इन 1597। इसके अंदर अब इस वर्क के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं मिलती क्योंकि ये बैन हो गया था जैसे ही पब्लिश होता आइल ऑफ डॉग्स, लेकिन कहते हैं कि इसमें शायद पॉलिटिकल सटायर था या फिर यू नो क्वीन के बारे में या फिर मे बी किंग जो है रॉयल हाउस था या एरिस्टोक्रेट्स था उनके बारे में कुछ सटायर था, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से इसको तो बैन किया ही गया था, साथ के साथ सारे थिएटर्स ही बंद कर दिए गए थे जब ये पब्लिश हुआ प्ले किया गया 1997 में। और बेन जॉनसन और थॉमस नैश को लीगल चार्जेस भी लगे थे उनके ऊपर, काफ़ी वक्त तक उनको प्रिजन में भी रहना पड़ा था बिकॉज ऑफ दैट, और काफ़ी सारे उनको नो दे हैड टू गो इन द कोर्ट एंड एक्सप्लेन दैट वाई एंड वाई डेंट दे। सो उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलती क्योंकि इट वॉज बैंड और उसकी कोई भी कॉपीज़ भी सर्वाइविंग नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ नाम याद रखना है आइल ऑफ डॉग्स और 1597 में इसकी वजह से सारे थिएटर्स बंद कर दिए गए थे, इसके राइटर हैं बेन जॉनसन एंड थॉमस नैश। ऑल राइट, नेक्स्ट इज शेक्सपियर इनकॉर्पोरेट्स लाइवीज अकाउंट ऑफ टारक्विन्स लस्ट इन अ नैरेटिव वर्क। तो नैरेटिव वर्क शेक्सपियर के हैं, कम ही हैं, ठीक है। तो इसमें से हमें चूज़ करना है कि अब देखो क्वेश्चन इजी कैसे बन गया यहाँ पे, अब इन्होंने खुद ही बता दिया कि नैरेटिव वर्क है। जब आप शेक्सपियर की डिटेल में पढ़ोगे इन आर लेक्चर सीरीज ऑल्सो, हमने जॉनर्स पढ़े हैं शेक्सपियर के वर्क के कि पोइट्री हैं कौन सी हैं, नैरेटिव वर्क कौन से हैं, ड्रामा कौन सा है, उसमें अंदर ट्रेजेडी कौन सी, कॉमेडी कौन सी है। तो जब अब हमें पता है नैरेटिव वर्क उन्होंने दो ही लिखे हैं अपने करियर में, तो अगर आपको दो नैरेटिव वर्क्स का नाम याद है तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए क्योंकि आपको दो ही में से चूज़ करना है। देखो इसमें से वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ ल्यूक्रिस, ये दो इनके नैरेटिव वर्क्स हैं, सिम्बलिन और टाइटस एडोनिस नैरेटिव नहीं है, ठीक है। तो आपको अब ईजी हो जाएगा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना क्योंकि आपको ये भले ही आपको ये नहीं पता कि ये कैरेक्टर किसमें, लेकिन आपको ओवरऑल शेक्सपियर के बारे में डिटेल्स पता है तो आपके लिए कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि दो ही नैरेटिव वर्क है तो इन दोनों में से कोई एक आंसर है। तो लाइवीज अकाउंट ऑफ टारक्विन्स लस्ट, अब ये आंसर आप तब कर पाओगे जब आपको इनके अंदर कैरेक्टर्स पता होंगे, सेंट्रल आइडिया पता होगा। आंसर यहाँ पे रेप ऑफ ल्यूक्रिस, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आंसर नहीं है, सिर्फ मैंने उसके लिए मार्क किया था कि ये नैरेटिव पोएम है। तो रेप ऑफ ल्यूक्रिस जो है इसके अंदर ये कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं लाइवीज अकाउंट ऑफ टारक्विन्स लस्ट। तो लाइवी का अकाउंट हमें मिलेगा अबाउट टारक्विन्स लस्ट, ठीक है। सो यू इट विल बी ईजी फॉर यू टू अटैम्प्ट। अगेन आई एम फोकसिंग शेक्सपियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जितना ज़्यादा उनके वर्क्स को आप डिटेल में पढ़ो उतना बेटर है आपके लिए, सो प्लीज़ फोकस ऑन हिम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्क द एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली वॉज रिटन बाय। देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन द एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली। एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली जो है इसका भी बहुत इन्फ्लुएंस रहा है लेटर ऑन जितने हमारे ड्रामेटिस्ट हैं, राइटर्स हैं, क्योंकि इसके अंदर हम थोड़ा सा इसको मानते हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म से भी रिलेटेड है इनका ये वर्क। तो इसके हमने वही पैटर्न है, राइटर का वर्क दे दिया, राइटर पूछा है, तो आंसर है रॉबर्ट बर्टन। रॉबर्ट बर्टन का वर्क है द एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली, 1621 में पब्लिश हुआ था ये वर्क, ओके।
एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द, बिकॉज इस एज के ऊपर 17th century पे लेटर ऑन जो ड्रामेटिस्ट हैं, नॉवलिस्ट हैं, उनके कैरेक्टर को किस तरह उन्होंने बिल्ड किया है ना, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इनका. ओके, बेकन डिस्क्राइब्स हिज एसेज. देखो अगेन बेकन से क्वेश्चन है, पहले भी था इनिशियल, इफ यू रिमेंबर हमने जब डिस्कशन स्टार्ट किया था फ्रांसिस बेकन पे, वहाँ भी क्वेश्चन था. अगेन क्वेश्चन है कि बेकन डिस्क्राइब्स हिज एसेज, तो ये जो फ्रेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब फ्रांसिस बेकन के बारे में हम पढ़ेंगे ना, वहीं पर हमने इस तो इंट्रोडक्शन में डिस्कस हो जाता है, क्योंकि बहुत कॉमन फ्रेज है जो फ्रांसिस बेकन ने खुद के ही एसेज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया है. रैंडम थॉट, डिस्पर्स मेडिटेशन, सेट्रेटाइज, फोकस डिस्क्रिप्शन. जिन लोगों ने फ्रांसिस बेकन वाला मैंने लेक्चर अटेंड किया, बहुत ईजिली इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे. आंसर है डिस्पर्स्ड मेडिटेशन, क्योंकि वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था ये, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है आने की, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाता है. तो फ्रांसिस बेकन अपने ऐसे इसको बोलते हैं कि इट्स लाइक डिस्पर्स्ड मेडिटेशन, दे आर लाइक डिस्पर्स्ड मेडिटेशन. ओके, दिस इज अ फ्रेज राइटन बाय हिम ओनली. विच ऑफ द प्लेज इज नॉट रिटन बाय थॉमस मिडिल्टन. अगेन वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे भी राइटर हैं, उनके वर्क्स हैं. अब इसमें आपको एक लिस्ट ऑफ वर्क्स दिए, आपको बताना है कि इस राइटर ने कौन सा वर्क नहीं लिखा. ये भी होता था कि इस वर्क का राइटर कौन है, तो नहीं लिखा तो आपको तभी पता होगा ना जब आपको इस राइटर के वर्क्स पता होंगे, या फिर इसमें से सारे वर्क्स के राइटर्स पता होंगे. तो इसका आंसर है स्पेनिश जिप्सी, मेरी वाइव्स, चैंगलिंग, वुमेन बीवेयर वुमेन. इसमें से आंसर है मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर, क्योंकि स्पेनिश जिप्सी, चैंगलिंग और ये तीनों लिखे हैं थॉमस मिडिलसन ने, बट विंडसर जो है वो मिडिलसन ने नहीं लिखा. ठीक है, सो यू कैन आंसर दिस लाइक दैट. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइट डेविल बाय जॉन वेबस्टर डिपिक्ट्स इटालियन सोसाइटी. इसके ऊपर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जब मैं स्पेनिश ट्रेजेडी का इन्फ्लुएंस आपको बता रही थी, तो मैंने ये वर्क के बारे में आपको बताया था थोड़ा सा. तो अगेन यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन भी दे दिया, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस वर्क इज इंपॉर्टेंट. व्हाइट डेविल एक वर्क था जॉन वेबस्टर का, जो रिवेंज ड्रामा, रिवेंज प्ले की कैटेगरी में आता है. ठीक है, तो इसके अंदर उन्होंने इटालियन सोसाइटी के बारे में कुछ बोला है. तो उनके अकॉर्डिंग इटालियन सोसाइटी उस टाइम पे कैसी थी? हाईली प्रोग्रेसिव, रिलीजियस, करप्ट और ऑनेस्ट. तो आंसर इज करप्ट एंड ईविल, क्योंकि इसके अंदर वेबस्टर ने इटालियन सोसाइटी को बहुत करप्ट और ईविल बताया है. इसी वजह वो ही उसका थीम भी है कि यू नो रिवेंज प्ले था, क्योंकि और रिवेंज प्लेज हमें हमेशा वायलेंस और यू नो ट्रिक्स्टर और प्लानिंग, प्लॉटिंग, मर्डर्स, इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन थीम्स होती थी उनकी. ठीक है, तो दैट इज़ द थीम ऑफ दिस वर्क, एंड इटालियन सोसाइटी को करप्ट सोसाइटी और नेगेटिव क्वालिटीज़ के साथ उसको मिक्स किया है इन दिस वर्क, करप्ट वाइट डेविल. जॉन मिल्टन्स एन एलिग्रो इन्वोक्स विच ग्रेस विद होम ही मीन्स टू लिव. तो अगेन मिल्टन के नेक्स्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं मिल्टन, 17th century के मिड में अराउंड इनका वर्क है ज़्यादातर. मिल्टन के वर्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ वर्क्स आपको डिटेल में करने ही करने हैं. देन मिल्टन के जो वर्क्स हैं उनको भी हम कैटेगरीज में डाल सकते हैं, जैसे उनके पोएट्रीज हैं, फिर उनके पॉलिटिकल वर्क्स हैं जिसमें उन्होंने एसेज लिखे हैं, स्पीचेज हैं उनकी काफ़ी सारी. ठीक है, उसके बाद उनका एपिक है वो, तो इट्स वेरी फेमस, पैराडाइज लॉस्ट. तो ये कैटेगरीज हैं मिल्टन के वर्क्स की जिसमें आपको पढ़ना है, और मिल्टन की जो लाइफ है उसको भी काफ़ी सारे स्टेजेस में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं. होरेशियन एक उनका ठीक है, एक उनका टाइम पीरियड है, नॉट होरे, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, इट्स आई टेल यू व्हेन आई रिमेंबर इट. ठीक है, तो जॉन मिल्टन के जो लाइफ है उसको काफ़ी सारे स्टेजेस में अगर डिवाइड करके आप पढ़ोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि हर स्टेज में उन्होंने अलग तरीके का लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस किया है. यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एल एलिग्रो एक उनका एक वर्क था, उसके अंदर जॉन मिल्टन किस ग्रेस के बारे में बात करें, तो कैसे अटेम्प्ट करोगे आप ये क्वेश्चन? तभी कर पाओगे जब आपको राइटर पता है, उनका वर्क पता है, सेंट्रल आइडिया पता है उसके वर्क का. ठीक है, तो अगेन यहाँ पे उसी तरह क्वेश्चन है, आंसर है इसका मर्थ. वो मर्थ के बारे में बात करें कि इफ़ आई हैव द ग्रेस ऑफ मर्थ आई कैन लिव माई लाइफ विद इट. ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन डज मेनोर रिपोर्ट द एंड ऑफ प्रोटैगनिस्ट इन मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट. अगेन एज यू कैन सी कितना इंपॉर्टेंट है मिल्टन को डिटेल में कवर करना, कि उनके ऊपर देखो ये भी क्वेश्चन मिल्टन के बारे में है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिल्टन के बारे में है, तो प्लीज़ फोकस ऑन इट वेरी स्ट्रांगली. अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन डज मैनोअर रिपोर्ट द एंड ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इन मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट. ये उनके वर्क का सैमसन एगोनिस्ट जो उनका वर्क, ये उनका वर्क है, ये उसका कैरेक्टर है. तो इसके अंदर उन प्रोटैगनिस्ट को कैसे के बारे में कब बोलते हैं, तो इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज काम ऑफ माइंड, ऑल पैशन
पैशन स्पेंट, ये उनकी अगर ऐसे भी आप याद नहीं करो इसको तो वैसे भी ये एक बहुत फेमस लाइन है मिल्टन की. जब भी हम मिल्टन डिस्कस करते हैं ये लाइन आती ही आती है. ठीक है, तो सैमसन एगेनिस्ट के बारे में अगर आप डिटेल में भी नहीं पढ़ोगे तो ये लाइन तो फिर भी अगर आप ओवरव्यू भी पढ़ोगे, जैसे कि मैंने कहा पढ़ना ही है, कुछ राइटर्स हैं उनके तो सारे वर्क्स के ओवरव्यू तो आपको रटे हुए होने चाहिए बिकॉज क्वेश्चन आते हैं उसमें से. ठीक है, उसमें से मिल्टन भी एक है और पूरी लिस्ट जो है वो यू कैन गो फॉर दैट इन आर लेक्चर सीरीज. ठीक है, तो सैमसन एगेनिस्ट जो काम ऑफ माइंड ऑल पैशन स्पेंट जो इनका वर्क है इसकी बहुत फेमस एक लाइन है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ हिज ट्रैक्स डज मिल्टन से ही हु डिस्ट्रॉयज अ गुड बुक किल्स रीजन इटसेल्फ किल्स द इमेज ऑफ गॉड एज इट वर इन द आई. अगेन सेम पैटर्न, डायरेक्ट लाइन उठा के दी गई है और आपको गेस करना है कि किस वर्क में से लाइन है. टेट्राकोडॉन, एरोपगेटिका, कॉलेस्ट्रियन, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना. आंसर इज एरोपगेटिका. ये जो इनका वर्क था ये एक ट्रैक है, मतलब नॉन फिक्शन वर्क है ये इनका, और ये बेसिकली इन्होंने एक स्पीच दी थी जिसको कि रिटन फॉर्म में जो पब्लिश किया गया उसको टाइटल ये दिया गया. और इसका जो थीम था वो था फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए लोगों के पास, ये उसका मेजर थीम था. ठीक है, तो उसमें से ये लाइन थी ही हु डिस्ट्रॉयज अ गुड बुक किल्स रीजन इटसेल्फ किल्स द इमेज ऑफ गॉड एज इट वर इन द आई. तो ये उन्होंने बोला था कि बुक्स कितनी इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ प्रिंट के बारे में ये वर्क था क्योंकि जर्नलिज्म उस टाइम पे प्रिंट में ही होता था. ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ प्रिंट पे ये वर्क था इनका और ये एक नॉन फिक्शन वर्क है मिल्टन का, 1644 अराउंड लिखा गया था ये वर्क. ठीक है, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ मिल्टन, प्लीज़ फोकस ऑन दैट. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वॉज रिटन बाय जॉन ड्राइडन इन प्रेज ऑफ द रेस्टोरेशन एंड मोनार्की. देखो वही पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, राइटर दिया है, वर्क दिया है, या तो सेंट्रल थीम बतानी है वर्क की, या राइटर बताना है या वर्क बताना है. यहाँ पे भी वही पैटर्न है, आपको राइटर दे दिया और सेंट्रल थीम दे दी, अब आपको वर्क चूज करना है. जॉन ड्राइडन का वर्क है रेस्टोरेशन और मोनार्की, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की है यहाँ पे, एंड मोनार्की नहीं है, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की होना चाहिए था. ठीक है, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, ये प्रिंट क्वेश्चन पेपर में भी ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी. ठीक है, तो रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की पे उनकी कौन सी वर्क है, तो वही सेंट्रल आइडिया, द पोएट. अब आपको अगर सेंट्रल आइडिया पता होगा तो आप इजीली चूज कर पाओगे, तो इसमें से हिंद एंड द पैंथर, लिजियो लाइसी, एस्ट्रेरिडक्स, मैकफ्लेक्नॉय, उसमें से आंसर है एस्ट्रेरिडक्स. ये इनकी एक पोएट्री थी जो इन्होंने रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, मोनार्की जब रिस्टोर हो गई थी इंग्लैंड में उसके बारे में उन्होंने ही अपनी पोएट्री लिखी थी. बाकी मैकफ्लेक्नॉय उनका एक सटायरिकल वर्क है जिसके अंदर इन्होंने अपने ही एक कंटेम्प्रेरी राइटर थॉमस शैडवेल को यू नो क्रिटिसाइज़ किया है बहुत ज़्यादा. ठीक है, इस तरह से तो आपको वर्क्स की बेसिक थीम्स पता होनी चाहिए, सेंट्रल आइडिया, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अटेम्प्ट. पोप इन हिज लेटर लेटर्स टू अरबेला. तो पोप, अलेक्जेंडर पोप, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, ड्राइडन और ड्राइडन को अपना आइडियल मानते थे पोप. ठीक है, तो जब भी हम ड्राइडन पढ़ते हैं साथ के साथ हम पोप भी पढ़ते हैं उनके बाद. तो पोप का एक वर्क है, वेरी इंपॉर्टेंट मॉक एपिक है इसका जॉनर. ठीक है, जॉनर भी पता होने चाहिए आपको, इट इज़ ऑल्सो, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं. तो ये जो वर्क है रेप ऑफ द लॉक, दिस इज़ अ मॉक एपिक. ठीक है, इसके अंदर एक एक्सर्प्ट है लेटर टू अरबेला. अरबेला इसकी एक मेजर कैरेक्टर है, उसके अंदर स्टेट्स दैट ही बोरोड हिज सुपर नेचुरल मशीनरी फ्रॉम. तो मतलब जो पोप हैं उन्होंने अपना सुपर नेचुरल जो एलिमेंट अपने प्ले में डाला है वो कहाँ से उन्होंने यू नो कहाँ से इंस्पायर्ड थे, कबाल्स, रोसिक्रूशियंस, टेम्पल ओरिएंटिस्ट, थेलमिसिस. तो आंसर इज टू. ये आपको पता होगा अगर आपने ये वर्क लाइन टू लाइन पढ़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है. ऑल राइट, सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जोनाथन स्विफ्ट एंड हिज वर्क द बैटल ऑफ द बुक्स. सो इन जोनाथन स्विफ्ट द बैटल ऑफ द बुक्स वॉट इज ही टॉकिंग अबाउट, दैट इज द क्वेश्चन. तो अगेन वही पैटर्न है, सेंट्रल आइडिया अगर आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे. सो द ऑप्शन आर बोथ स्वीटनेस एंड लाइट आर एसोसिएटेड विद द एंशियंट, बोथ स्वीटनेस एंड लाइट आर एसोसिएटेड विद द मॉडर्नस, स्वीटनेस इज एसोसिएटेड विद एंशियंट्स, लाइट विद मॉडर्नस, एंड लाइट विद एंशियंट्स एंड स्वीटनेस विद मॉडर्नस. ये चार हमारे ऑप्शंस हैं. तो इस अपने जो वर्क है जोनाथन स्विफ्ट का बैटल ऑफ द बुक्स, उसमें वो बात करते हैं स्वीटनेस और लाइट के बारे में. तो वो किसको सोर्स मानते हैं स्वीटनेस और लाइट का, वो मानते हैं एंशियंट्स को. इसलिए हमारा आंसर है आंसर नंबर वन कि जो स्वीटनेस और लाइट हमारे लिटरेरी वर्क्स में आती है वो आती है एंशियंट्स. एंशियंट्स मतलब जो क्लासिकल राइटर्स थे, एरिस्टोटल हो गए, सोफोक्लीज हो गए, उस टाइम के जो राइटर्स हैं, होरेस हैं, होमर हैं. ठीक है, इनके वर्क से आती है अकॉर्डिंग टू जोनाथन स्विफ्ट. नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरफेस नैरेटिव ऑफ ड्राइडन्स एब्सोलम एंड अकेटोफिल इज टेकन फ्रॉम. तो एब्सोलम एंड अकेटोफिल एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जॉन ड्राइडन का. देखो ड्राइडन पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं, तो प्लीज़ फोकस ऑन जॉन ड्राइडन. जो आप लिस्ट बना रहे हो अपने इंपॉर्टेंट राइटर्स की, उसमें प्लीज़ ऐड द नेम ऑफ जॉन ड्राइडन ऑल्सो अगर आपने नहीं किया है. तो इसका जो नैरेटिव है, अब वही अगेन सेम पैटर्न.
पैटर्न देखो वही जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कवर करवा दिया था कि आउटलाइन जो है सेंट्रल थीम जो है वर्क की वो है. तो सरफेस नैरेटिव अगर आपको सेंट्रल थीम पता है तो आप बता सकते हो कि सरफेस नैरेटिव कहाँ से, उसका सोर्स क्या है ड्राइडन के वर्क एब्सोलोमन आर्किटोफिल का. तो उसका सोर्स है द बाइबल, द स्क्रिप्चर बाइबल, वहाँ से उनका उनका सरफेस नैरेटिव का जो थीम है उन्होंने लिया है. नेक्स्ट इज स्पेक्टेटर बाय एडिसन एंड स्टील. स्पेक्टेटर जो वॉल्यूम है पब्लिश हुई थी एडिसन एंड स्टील है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है इंग्लिश एसेज का जो जॉनर है हमारा. एडिसन एंड स्टील दोनों ने मिलके कोलैबोरेशन में एसेज लिखे थे इसके अंदर, ठीक है. एंड उसको बहुत हम एक कह सकते हैं इन्फ्लुएंशियल वर्क मानते हैं कि इंग्लिश एसेज का कुछ के जॉनर को एज अ स्ट्रॉन्ग जॉनर नॉवल्स पोइट्री ड्रामा के बराबर का जॉनर की तरह उसको यू नो स्टेटस देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्पेक्टेटर का बाय एडिसन एंड स्टील. तो द क्वेश्चन इज वाज पब्लिश्ड इन डैश डेकेड ऑफ द 18th century. तो वही ईयर के बारे में क्वेश्चन है कि अगर आपको ईयर पता होगा तो आप बता सकते हो कि किस सेंचुरी को बिलोंग करता है. तो इन्होंने खुद ही बता दिया कि 18th century को बिलोंग करता है, लेकिन कौन सी, फर्स्ट पार्ट को या सेकेंड पार्ट को. तो इट बिलोंग्स टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द 18th century. 36th इज नो देन दाई सेल्फ प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन. वेयर डू दीज लाइन्स अकर. अगर आपने अलेक्जेंडर पोप को पढ़ा है ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लाइन आपने नहीं पढ़ी हो. इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है जो हम यू नो अब हमेशा पढ़ते हैं जब भी हम अलेक्जेंडर पोप के बारे में स्टडी करते हैं. तो द जैसे मैंने बता दिया कि अलेक्जेंडर पोप का है, नीचे वर्क्स के नाम दिए हुए हैं, इसमें से आंसर है एसे ऑन मैन जो कि पोप का ही एक वर्क था, ठीक है. यहाँ से भी आप समझ सकते हो. तो अलेक्जेंडर पोप के दो वर्क्स, बहुत सारे उनके वर्क्स इंपॉर्टेंट, लेकिन दो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एसे ऑन क्रिटिसिज्म और एसे ऑन मैन. एसे ऑन क्रिटिसिज्म तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. वहाँ पे जब हम पोप का पोप के बारे में पढ़ेंगे तो हम एसे ऑन क्रिटिसिज्म को डिटेल में हमने पढ़ा है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में यूनिट टू में पेपर वन के. यहाँ पे भी एसे ऑन मैन पोप का वर्क है और भी काफ़ी सारे पोप के वर्क्स हैं यू कैन सी फ्रॉम द लिस्ट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो ड्राइडन के बाद अलेक्जेंडर पोप इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर दैट यू नीड टू कवर. Who is Thomas Gray referring to in his lines, nor second he that rolls sublime upon the seraph wings of ecstasy from the progress of poesy. तो किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो लाइंस हैं आपको पूरी लाइंस उठा के दी हुई हैं और आपको ये भी बता दिया कि थॉमस ग्रे का वर्क है और ये भी बता दिया कि कौन सा, द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी नाम से उनका वर्क था उसके अंदर ये लाइंस है. तो इन्होंने आपको सोर्स भी बता दिया है, इट्स हेल्पफुल फॉर यू. प्लस आपको लाइन भी बता दिया, बस आपको ये बताना है कि किसके बारे में वो बात कर रहे हैं. अगर आपको ये पता होगा, अगर आपने पोइट्री लाइन टू लाइन नहीं भी पढ़ी है लेकिन आपने उसको आउटलाइन पढ़ा था, तो अगर आपको ये पता है कि ये पोइट्री में जो पोएट हैं, जो राइटर हैं थॉमस ग्रे, वो किसको अपने किसके बारे में बात करें, और दूसरे इंपॉर्टेंट राइटर के बारे में बात करें, तो आप ये आंसर कर सकते हो. तो आंसर इज मिल्टन. मिल्टन के बारे में बात हो रही है इस लाइन में जो थॉमस ग्रे ने डेडिकेट किया था ये लाइन टुवर्ड्स मिल्टन. ओके. गोल्डस्मिथ शी स्टूप्स टू कॉन्कर ओज इट्स ओरिजिन टू गोल्डस्मिथ. ऑलिवर गोल्डस्मिथ एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, ठीक है. स्पेशली उनका वर्क था शी स्टूप्स टू कॉन्कर. अगेन गोल्डस्मिथ को भी पढ़ना हमें. रिचर्ड ब्रिंसले शराइडन उनका वर्क है द राइवल्स, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक ही कैटेगरी में आते हैं ऑलिवर गोल्डस्मिथ और श्राइडन. इनका वर्क का सोर्स क्या था, तो सोर्स आपको पता लग जाएगा अगर आपने ब्रीफ आउटलाइन समरी वगैरह पढ़ी है. सेंट्रल जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं वर्क की वो पढ़ी है, जैसे ईयर हो गया, कहाँ पहली बार यू नो स्टेज हुआ था, ठीक है. तो आंसर इज फॉरवर्ड्स बियॉक्स स्ट्रैटेजन इज द आंसर. ओके. व्हाट डू द नॉवल्स पामेला क्लारिसा शामेला लेडी सुजैन हैव इन कॉमन विद ईच अदर. ये जो नॉवल्स हैं इनको हम मानते हैं कि वेरी फर्स्ट नॉवल्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है. पामेला क्लारिसा सैमुअल रिचर्डसन ने नॉवल्स लिखी थी जिनका कि इनके ऊपर कमेंट्री की थी, सटायर किया था हेनरी फील्डिंग ने अपने वर्क जोसेफ एंड्रयूज में, ठीक है. तो क्लारिसा पामेला ये जो सारी नॉवल्स हैं इनमें क्या कॉमन है, इनमें कॉमन ये है कि सारी एपिस्टलरी नॉवल्स हैं, ठीक है. एपिस्टलरी मतलब लेटर के फॉर्म में जो नॉवल्स लिखी गई थी उनको हम एपिस्टलरी नॉवल कहते हैं. एपिस्टल्स जो वर्ड है रोमन वर्ड है ये लेटर्स के लिए, ठीक है. प्लीज़ रिमेंबर इट, क्योंकि कई भी सारी जगहों पे इसका रेफरेंस आपको मिलेगा व्हेन यू स्टडी लिटरेचर. एपिस्टल्स इज अ वर्ड, रोमन वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर लेटर्स, जब हम लेटर लिखते हैं किसी को. तो ये जो सारी नॉवल्स हैं ये लेटर फॉर्म में लिखी गई हैं, मतलब कि हर चैप्टर है वो लेटर है कि वो किसी ने लिखा और उस लेटर को कनेक्ट करके हमने राइटर ने स्टोरी को बिल्ड किया है, ठीक है. तो ये इन सब नॉवल्स की, तो आप यहाँ पे आपको ये भी याद होना चाहिए कि पामेला क्लारिसा शामेला लेडी सुजैन ये सारी नॉवल्स एपिस्टलरी हैं. इस पर ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको यू नो एपिस्टलरी का मतलब पूछ लें, एपिस्टलरी
स्टडी के बारे में, हमने एपिस्टलरी नॉवल्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया अपने लेक्चर सीरीज में, ठीक है, जहाँ पे हमने लिटरेरी टर्म्स डिस्कस किए हैं. सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इन विच प्ले ऑफ विलियम कॉनग्रीव डू द कैरेक्टर्स मिलामंत एंड मिरेबल अपीयर. दोनों इनके बहुत फेमस कैरेक्टर्स हैं और जो इसका आंसर है दैट इज़ वे ऑफ द वर्ल्ड. ये भी इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है. तो विलियम कॉनग्रीव जब हम पढ़ते हैं, हमें वे ऑफ द वर्ल्ड पढ़ना ही पढ़ना है. अगर आप पूरा वर्क नहीं पढ़ सकते क्योंकि काफ़ी हैवी वर्क है ये, ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो एटलीस्ट उसका सेंट्रल आइडिया आपको पता होना चाहिए. और जो मेजर मेजर कैरेक्टर्स हैं ना, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उनके नाम तो प्लीज़ आपको याद रखने हैं, ठीक है. जैसे उसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपको कैरेक्टर के नाम दिए और आपको सोर्स चूज करना है कि कहाँ पर ये कैरेक्टर बिलोंग करते हैं. तो मीराबेल एंड मीरामेंट कौन से वर्क में अपियर होते हैं, दैट इज़ वे ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिजी. एलिजी, अब उस ये आंसर करने के आपको पता होना चाहिए कि एलिजी क्या होती है. एलिजी बेसिकली होती है जब कोई राइटर किसी की डेथ के ऊपर कोई ट्रिब्यूट के फॉर्म में कोई वर्क लिखता है, उसको हम एलिजी कहते हैं. मतलब एलिजी किसी की डेथ पे लिखी गई होती है और उसको ट्रिब्यूट के तौर पे लिखी जाती है. तो अब ये फेमस एलिजीज के आपको नाम दिए हुए हैं, इसमें से एक है जो ऑड वन आउट है, जो एलिजी नहीं है, वो आपको चूज करना है. आंसर इज इन मेमोरियम नंबर 4. लिसिडस एक एलिजी है जो मिल्टन ने लिखी थी. एंडिमियन एक एलिजी है जो शेली ने लिखी थी कीट्स की डेथ पे. बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिटेल, प्लीज़ याद रखना. एंडिमियन वॉज रिटन बाय शेली ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, ठीक है. और थिरिसिस भी एक एलिजी है जो कि मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखी थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंडिमियन है. इसके बारे में स्पेशली ये डिटेल की है, शेली ने लिखी थी कीट्स की डेथ पे. इस पे क्वेश्चन आता है कि या तो आपको एडोनेस का नाम पूछ लेंगे कि कौन सी एलर्जी शेली ने लिखी है कीट्स के लिए, फिर ये पूछ लेंगे कि शेली ने एडोनेस किसकी डेथ पे लिखी थी, या फिर ये पूछ सकते हैं कि कीट्स के ऊपर जो एलर्जी लिखी गई है बाय शेली उसका नाम क्या, ठीक है. कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज़ रिमेंबर इट. तो ये तीनों एलर्जीज थी. इन मेमोरियम एलर्जी नहीं है, ये एक वर्क है जिसके अंदर राइटर्स के बारे में बात हुई, लेकिन वो एलर्जी किसी की डेथ के ऊपर नहीं हुई, इट्स जस्ट लाइक अ ट्रिब्यूट, ठीक है. 42. The still sad music of humanity. In which poem of William Wordsworth does these lines occur? तो इसका आंसर है लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी. मैंने पहले भी कहा था जब हम इनिशियल स्टार्ट किया था डिस्कशन कि वर्ड्सवर्थ की पोएम जैसे कीट्स की, शेली, कोलरिज, इनके वर्क्स भी डिटेल में करना, जो लिस्ट है अब सारे नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल, लेकिन लिस्ट दी है मैंने अपने कोर्स में आपको वर्क्स की जो इंपॉर्टेंट है. जैसे वर्ड्सवर्थ है, इनका ये वर्क हो गया लाइन्स रिटन अबव टिंटन एबी, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, सॉलिटरी रीपर, डैफोडिल्स, वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये कुछ वर्क्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इनका लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी हमने डिस्कशन किया, प्रीफेस टू लिरिकल बैले जो वर्ड्सवर्थ का वर्क है उसको लिटरेरी क्रिटिसिज्म में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम पोइट्री पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, तो इनके ये वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. देखो डायरेक्ट आपको लाइन दी है, स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, लाइन वॉज फ्रॉम लाइन्स फ्रॉम अ फ्यू, ये इनकी पोएम का नाम है, बहुत लॉन्ग एक पोएम है, लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी. और वर्ड्सवर्थ वगैरह की पोइट्री पढ़ोगे ना, दैट वुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट टू यू एज कम्पेयर्ड इनसे पहले, जैसे एलिजाबेथन टाइम्स के वर्क्स हैं, न्यू क्लासिकल टाइम्स के, उसमें फिर भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा एज कम्पेयर टू वर्ड्सवर्थ, क्योंकि वर्ड्सवर्थ का जो राइट स्टाइल ऑफ राइटिंग है, इट्स काइंड ऑफ सिंपल, ठीक है. एवरीडे लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि एवरीडे लैंग्वेज यूज़ करें, एंड इट्स क्वाइट इन्जॉयबल वैन यू रीड वर्ड्सवर्थ एज कम्पेयर टू न्यू क्लासिकल, जैसे अलेक्जेंडर पोप हैं, उन लोग के वर्क जब पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, रेफरेंसेज की मीनिंग ढूंढने पड़ेंगे, बट इतना एफर्ट वर्ड्सवर्थ में नहीं डालना पड़ेगा. इट विल बी क्वाइट इन्जॉयबल फॉर यू एज यू कैन यू नो सी इट इन आर डेमो वीडियोज ऑल्सो, दैट वर्ड्सवर्थ इज अ टॉपिक विच इज यू नो स्टूडेंट सपोज टू इन्जॉय that. All right, so you can go through that because and he belonged to romantic age. So romantic age ki jo sare writers hain, their work is you know comparatively much enjoyable as compared to the earlier writers. देखो डायरेक्ट वही क्वेश्चन आ गया. आई वॉज नॉट हैविंग एन आइडिया कि यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले पेपर पढ़ा था. देखो डायरेक्टली एडोनेस बाय पीबी शेली इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ, तो डायरेक्ट एडोनेस किसकी डेथ पे लिखा गया है क्वेश्चन आ गया. अभी हम डिस्कस ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो आई होप यू कैन आंसर. इट वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ कीट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. ये 95% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि दिस विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. सो विलियम ब्लेक्स सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस कंटेन्स शॉर्ट लिरिक्स एम्बॉडिंग हिज व्यूज ऑन, तो ये विलियम ब्लेक का वर्क है. विलियम ब्लेक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्री रोमांटिक राइटर. ऑल राइट, उनका वर्क है कलेक्शन ऑफ पोएम्स है उनकी, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस. ऑल राइट, सो इसके अंदर जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है उसका, उसमें शॉर्ट लिरिक्स हैं, वो किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं. तो अगेन सेम पैटर्न, आउटलाइन जो एंड सेंट्रल आइडिया है वो आपको पता होना चाहिए. द आंसर इज ओरिजिनल स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है.
तो उनका जो दूसरा वॉल्यूम है इसी का कह सकते हैं साइमल्टेनियस जो उन्होंने लिखा था वो था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. सो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, उनका थर्ड फेमस नॉवल है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल. तो ये तीन इनके वॉल्यूम्स हैं जिसके अंदर अलग अलग थीम्स पर उनकी पोइट्रीज हैं. सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में जो थीम है लिरिक्स की, उनकी बहुत सारे लिरिक्स हैं, उसका है द ओरिजिनल स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ दोज. ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गॉथिक नॉवल. गॉथिक नॉवल क्या होती है जिसके अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, हॉरर और यू नो टेल्स ऑफ डीमंस एंड इस तरह की जो स्टोरीज होती हैं उसको हम गॉथिक नॉवल कहते हैं. तो अगर आपको इन सारी नॉवल्स का जॉनर पता होगा, जैसे मैंने कहा कि जॉनर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप ईजिली बता पाओगे कि कौन सी नॉवल गॉथिक नहीं है. तो आंसर इज जेन ऑस्टन्स प्राइड एंड प्रेजिडिस. वी ऑल नो जेन ऑस्टन यूज टू राइट सोशल नॉवल्स अबाउट सोसाइटी. ठीक है, तो सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में उनके नॉवल में इन्फॉर्मेशन होती थी. तो मेरी शैली का फ्रैंकस्टीन बहुत फेमस गॉथिक नॉवल है, ग्रेगरी का द इटालियन, रीव्स इंग्लिश बैरन, ये तीनों गॉथिक नॉवल्स हैं. तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें लर्न हो गई, एक तो ये कि तीन गॉथिक नॉवल्स के नाम, गॉथिक नॉवल होता क्या है, और जेन ऑस्टन के वर्क के बारे में. ठीक है, तो इन तीनों का नाम याद रखना एज गॉथिक नॉवल, और इनके राइटर्स और पोएट्स राइटर्स और इनके वर्क्स के नाम आपको याद रखने हैं. इसमें से स्पेशली इंपॉर्टेंट है ये मेरी शैली का फ्रैंकस्टीन. ठीक है, और इसका दूसरा नाम है मॉडर्न डे प्रोमीथियस. ठीक है, प्रोमीथियस भी इसका नाम है. विच पोएम ऑफ जॉन कीट्स हैज़ द थीम ऑफ फेटल मैजिकल लव ल्यूरिंग अ मैन टू हिज डूम. जॉन कीट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रोमांटिक राइटर. इनकी कुछ ओड्स हैं, ओड टू मेलंकली, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ग्रेशियनन, ओड टू साइकी, ये कुछ ओड्स हैं. ओड टू ऑटम स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में इनको पढ़ना है जॉन कीट्स का वर्क्स को. ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि इसमें से जो सेंट्रल थीम है किसकी हैज़ द थीम ऑफ अ फेटल. तो वही सेम पैटर्न, सेंट्रल थीम आपसे पूछी यहाँ पे. तो प्लीज़ अगेन एंड अगेन आई एम फोकसिंग सेंट्रल थीम ऑफ इंपॉर्टेंट वर्क्स. प्लीज़ वेरी बी वेरी थरो, मिक्स मत कर देना सेंट्रल थीम को कि इसकी थीम आपने उस वर्क में डाल दी ऐसे. तो इसकी जो सेंट्रल थीम है ये किस वर्क की थीम है, तो थीम आपको दे रखी है फेटल मैजिकल लव ल्यूरिंग अ मैन टू हिज डूम. आपको वर्क आइडेंटिफाई करना है. आंसर इज ला बेल डेम सांस मर्सी. ये उनका एक वर्क था जिसकी सेंट्रल थीम है अ फेटल मैजिकल लव. नेक्स्ट इज एस टी कोलरिज पोएम द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर अ कर्स फॉल्स ऑन द शिप. कोलरिज का वर्क, वही रोमांटिक राइटर्स. तो कोलरिज, शेली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट में आप प्लीज़ ऐड कर लो. उनका वर्क है राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर. बहुत लंबी पोएम है, तो आई वुड सजेस्ट लाइन बाय लाइन पढ़ो क्योंकि जो राइटिंग स्टाइल है बहुत ईजी है. अगर आप पढ़ोगे तो यू कैन यू नो रीड इट लाइक अ स्टोरी. अगर नहीं पढ़ पाओ तो भी आप जो उसके पार्ट्स हैं, एट पार्ट्स में डिवाइडेड है वो, मोस्ट प्रोबेबली एट ही पार्ट्स हैं. ठीक है, एट पार्ट्स में डिवाइडेड है, हर पार्ट का ओवरऑल समरी आपको पता होना चाहिए, पूरा प्लॉट क्या था. एक पूरी प्लॉट उस पोइट्री में चलती है कि एक स्टोरी है काइंड ऑफ, तो स्टोरी तो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन स्टोरी के में से ही उस क्वेश्चन आया है कि उस शिप पे, राइम ऑफ एंशियंट मरीनर में जिस शिप पे वो सब लोग होते हैं उस पर कर्स आ जाता है. वो कर्स क्यों आता है, उसका रीज़न क्या होता है, ये आप तब आंसर कर पाओगे जब आपको प्लॉट लाइन उसकी पता होगी. वो कर्स इसलिए आता है, एक मैरिनर शूट्स एन एल्बेट्रॉस. एल्बेट्रॉस एक बर्ड होती है, ठीक है, उसको मैरिनर जो होता है वो शूट कर देता है. तो उसको वो शूट नहीं करना चाहिए, वो एक तरह से गुड लक लेके आती है, ये मानना जाता था, लेजेंड था. ठीक है, तो उसको वो शूट कर देता है इसलिए उनकी शिप पे कर्स आ जाता है. ऑल राइट, तो यू कैन आंसर इट इफ़ यू नो द प्लॉट लाइन ऑफ द पोएम. विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट इज अटैक्ड बाय बायरन इन हिज पोएम. लॉर्ड बायरन अगेन रोमांटिक राइटर. उनका वर्क है द विजन ऑफ जजमेंट. विजन ऑफ जजमेंट उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, सटायरिकल वर्क है. सटायरिकल क्या होता है, जब हम किसी दूसरे इंसान के ऊपर सटायर करते हैं, उनके किसी चीज़ को कॉमिकली क्रिटिसाइज करते हैं ना, जब हम उसको हम सटायर कहते हैं. तो इसमें से बायरन का वर्क है विजन ऑफ जजमेंट, जो एक सटायर है. तो ये क्वेश्चन है कि किसके ऊपर सटायर किया था उन्होंने, तो उन्होंने किया था रॉबर्ट सदे के ऊपर, जो कि खुद भी एक इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं. वर्ड्सवर्थ और कोलरिज के साथ उनका नाम लिया जाता है, उनके यू नो ही वॉज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ बोथ ऑफ देम. रॉबर्ट सदे के वर्क्स को लॉर्ड बायरन ने अपने वर्क विजन ऑफ जजमेंट में बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया है. ठीक है, दैट इज़ अबाउट इट. 49 जेन ऑस्टन्स नॉवल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम गॉथिक नॉवल डिस्कस कर रहे थे कि जेन ऑस्टन की जो नॉवल होती हैं वो किस बेस पे होती हैं. वो पूरी प्रोविंशियल लाइफ जो थी, इंग्लैंड का जो प्रोविंस था उस टाइम की, जो प्रोविंशियल लाइफ थी कि किस तरह से सोसाइटी वर्क करती थी, हाउ मैरिजेज यूज टू हैपन, डिनर पे लोग इन्वाइट करते थे, लोग कैसे रहते थे आपस में, प्रोविंशियल एक सोसाइटी लाइफ को डिस्क्राइब करती हैं उनकी सारी नॉवल्स. तो जेन ऑस्टन की जो नॉवल्स हैं, प्राइड एंड प्रेजुडाइस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, दीज आर सम वर्क्स
विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. एमा उनका एक वर्क है विच इज़ इंपॉर्टेंट. तो इनमें प्लीज कैरेक्टर्स के नाम तो 100% याद करने ही करने हैं आपको जेन ऑस्टन के वर्क्स के. लिस्ट ऑफ नॉवल्स उसमें कैरेक्टर्स के नाम कहाँ लोकेटेड है वो नॉवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द समरी कि आपको क्या हुआ था उस नॉवल में, कि प्राइड एंड प्रेजुडिस में क्या होता है, मिस्टर डार्सी कौन था, एलिजाबेथ कौन थी, बेनेट, ठीक है. तो ये सारी बेनेट फैमिली, 5 सिस्टर्स होती हैं, 5 सिस्टर्स का नाम क्या क्या था, ये चीज़ें आपको यू शुड नो अबाउट इट. इन द टाइटल द एसेज ऑफ इलिया, द नेम इलिया स्टैंड्स फॉर, हम इनिशियली जब डिस्कस कर रहे थे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. अगेन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है. एसेज ऑफ इलिया एक कलेक्शन था जिसमें एसेज पब्लिश किए थे. तो इलिया जो नाम है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसका पेन नेम था वो? आंसर है चार्ल्स लैम. चार्ल्स लैम ने इसको एज अपना पेन नेम की तरह यूज़ किया था इलिया को, ठीक है. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इलिया किसका पेन नेम है या चार्ल्स लैम का पेन नेम क्या है. एसेज ऑफ इलिया यहाँ पे डायरेक्ट आपको वर्क के क्वेश्चन दिया. तो तीन चीज़ें यहाँ पे याद हो गई आपको. एसेज ऑफ इलिया इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज बाय चार्ल्स लैम जिसमें इलिया स्टैंड्स फॉर चार्ल्स लैम. इलिया वॉज द पेन नेम दैट वॉज यूज बाय चार्ल्स लैम. ऑल राइट, सो दिस इज द 50th.